सो वैसे आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज 2.0 है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज 2.0 में आपको क्या क्या अपडेट मिलती है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान करने या लेने वाले हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक जुड़ी हर एक डिटेल हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो को मिस कर सके। तो चलिए इसमें टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज 2.0 में आपको क्या अपडेट मिलते हैं। तो पहला आपको जो अपडेट मिलती है भाई साहब, यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिली है कम्प्लीटली आपको LED हेडलाइट सेटअप मिलती है। एसएम में दिया गया है LED डियास आपको यहाँ पर वर्टिकल सेप में आपको मिलती है। जो पहला आपको अपडेट मिलती है कम्प्लीटली इसका जो हेडलाइट पहले के मुकाबले यहाँ पर चेंज देखने को मिली है। दूसरे अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो टर्न सिग्नल मिली है पहले से ये चेंजेस किया गया है इसके टर्न सिग्नल में, जो दूसरा इसमें आपको अपडेट मिल जाती है। और तीसरे अपडेट की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे जो तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके इस पर अपडेट मिलती है, यहाँ पे आपको हजार लाइट का फंक्शन इस बाइक में दे दिया गया है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज में। तो यह अपडेट काफ़ी बढ़िया लगा इस बाइक में मुझे। और नेक्स्ट अपडेट आपको जो मिलती है यहाँ पर आपको पासिंग लाइट का स्विच अब आपको देखने को मिल जाएगा हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज 2.0 में, जो कि पहले आपको नहीं मिलती थी। अब 2024 मॉडल में अब आपके यहाँ पर पासिंग लाइट का स्विच आपके यहाँ पर मिल रही है। तो नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, यहाँ पे आई थी आना पाने का जो स्विच है इसमें भी आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाती है। और अगले अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको जो इग्निशन की वाला यहाँ पे पार्ट है यह चेंजेस किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ये चेंजेस आपको नेक्स्ट अपडेट जो मिलती है इस बाइक में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाती है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज 2.0 में। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको सेव मिलती है, न्यू ग्राफिक्स आपको यहाँ पर मिल जाती है जो अगला चेंज आपको देखने को मिलती है। और गाइस नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो टूल बॉक्स मिलती है पहले से बड़ा कर दिया गया है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम FI की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दिया गया है जो अगला आपको अपडेट मिल जाती है, इंजन आपको ही मिलती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आप गाइस नोटिस करेंगे तो आपको जो चैन कवर आपको मिलती है इस बाइक में फॉरवर्ड बॉडी का आपको लगे मिलती है। पहले आपको मेटलिक का चैन कवर दिया जाता था लेकिन 2024 में इसे कंपनी ने अपडेट कर दिया है, तो आपको यहाँ पर जो चैन कवर मिली है फाइव बॉडी का आपको लगी मिलती है, जिससे आपको थोड़ा सा इसका वेट हल्का होगा, माइलेज आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इसके सीटिंग कंफर्ट में भी आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाता है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज 2.0 में। और गाइस यहाँ पर आप देखें तो अगला जो चेंजेस आपको मिलता है इस बाइक में इसके टेल लाइट में आपको चेंजेस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एक्सटेज में आपको यहाँ पर टेल लाइट आपको मिल जाती है, पहले आपको स्क्वेयर शेप मिलती थी लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो 2024 मॉडल है तो इसमें आपको एक्सटेज में आपको टेल लाइट आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी प्रीमियम सा लग रही है देखने में। और अगले आप बदलाव की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगला जो चेंजेस आपको मिलता है इसका रियर फेंडर आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, काफ़ी फ्लेक्सिबल दिया गया है, यहाँ पे आपको काफ़ी वाइडर कर दिया गया, पहले आपको थोड़ा सा नैरो मिलती थी लेकिन 2024 एक्सटेज 2.0 में थोड़ा सा वाइडर कर दिया गया है, काफ़ी फ्लेक्सिबल दिया गया है, जिससे अगर पीछे से कोई बाइक इसे टक्कर मारती है हल्का फुल्का तो इसमें आपको कोई डैमेज होने के चांसेस बहुत कम रहेगा। तो इसमें आपको ये आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो इस बाइक का जो अनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में लगभग आपको 1 लाख के करीब यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। लगभग आपको यहाँ पर जो प्राइसिंग में डिफरेंट मिलती है 1500 से 2000 रुपये इसकी प्राइसिंग आपको बढ़ी मिल सकती है। तो यही सारे अपडेट किया गया है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज 2.0 में, जो काफ़ी बढ़िया इसमें अपडेट निकल के आती है। तो गाइस कमेंट करके बताएं कि आपको यह अपडेट कैसा लग रहा है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज 2.0 का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस ये रहा हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेज 2.0 का अपडेट वीडियो, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या अपडेट मिलती है, कितनी प्राइसिंग रहने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसे लगी बाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।